देशरी नसरुद्दीन में 9 दिवसीय भागवत कथा का कल सुबह यात्रा आरंभ हुआ। 5 घोड़ा रथ के साथ जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत भवानीपुर देशरी पंचायत के शिव मंदिर में भागवत कथा 9 दिवसीय प्रारंभ हुआ। कोई सबसे पहले कलश यात्रा निकल गई देशी शिव मंदिर से, जिसमें लगभग 800 महिला बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। कथा स्थल से लेकर के कलश जगदीशपुर शिव मंदिर पहुंचे और वहां से जल भर करके शिव मंदिर से जगदीशपुर कथा स्थल शिव मंदिर देशरी पहुंच गए। पाखुड़ से आए पुष्प किशोरी ने बताया, हम देशरी शिव मंदिर में कथा सुनने के लिए 3 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। कथा का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम में 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। इसमें राम कथा सुना करके भक्ति में माहौल कर दिया जाता है। इस अवसर पे मेले का उद्घाटन पुष्प किशोरी जी, कृष्णा जी एवं थाना अध्यक्ष गणेश कुमार के नेतृत्व में उद्घाटन किया गया। मंदिर के अध्यक्ष अवध बिहारी, साह कोषाध्यक्ष निरंजन विश्वास, चंद्रशेखर विश्वास, सुजीत मंडल, भवानीपुर देसी पंचायत के सरपंच बिहारी यादव, खरीवाधन पंचायत के सरपंच सूरज कुमार, भवानीपुर देशरी फैक्स अध्यक्ष शकीचंद विश्वास, शिवनारायण पंजीरिया, जगदीशपुर पंचायत के मुखिया लालमती देवी, ग्रामीण कारू सिंह, लक्ष्मण सिंह, दीप मंडल, आशीष विश्वास, कई अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। आज शोभा यात्रा है, श्री श्री 108 देशरी महादेव के प्रांगण से निकली है। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा श्री राम कथा के लिए, जो कल से प्रारंभ होगी प्रातः काल 9 बजे से और 9 दिनों तक चलेगी भवानीपुर देशरी में। कितने बजे? प्रातः काल होगी 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में होगी फिर 6 बजे से 9 बजे तक। भक्तों से क्या आग्रह करेंगे? अधिक से अधिक सुनने के लिए कथा है जी। आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधार करके श्री राम कथा का आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आइए और कथा श्रवण करें। मैं पुष्प किशोरी पाकुड़ से। कितना दिन का हो रहा है? 9 दिवस का, 9 दिवसीय श्री राम कथा है। कितना दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मैं बचपन से ही करती हूँ श्री राम। यहाँ पे कितना बार किया? यहाँ पे 3 वर्षों से ये तीसरा वर्ष है। हाँ। 9 दिन तक भक्ति में रहेंगे पूरा ग्राम? 9 दिनों तक भक्ति में रहने वाला। आप सभी पधार करके अधिक से अधिक संख्या में श्री राम कथा का श्रवण करें। जय श्री शंकर।